नमस्कार, मैं हूं शहनवाज हुसैन और आप देख रहे हैं द मिलर टाइम्स। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देशव्यापी लॉकडाउन है कोरोना वायरस को रोकने के लिए, और कोरोना वायरस से हमें अपने देश को जीत दिलानी है। इस बात से गरीब असहाय बेबस लोग भूखे अपने घरों में कैद हैं, बाहर निकलना नहीं चाहते क्योंकि हमें अपने देश को जिताना है। वहीं एक ताज़ा तरीन मामला सामने आया है, जहां बीजेपी के विधायक इस लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी हां, बीजेपी के विधायक अनिल कुमार अपने गाड़ी से कोटा गए और अपनी बेटी को और उनके साथियों को गाड़ी से फिर लेकर बिहार आ गए। अब उनका बयान पहले आपको सुना देते हैं। वहीं रहे, इसका अनुपालन हम लोगों ने भी किया है, पर आवश्यक अगर ना हो तब। ये भी शब्द प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी या एक जिम्मेवार जो भी हम सब नागरिक हैं, वो भी ये सारे लोगों को एक दूसरे को सजेस्ट कर रहे हैं। पर यहाँ पे जरूरत इस बात की पड़ गई कि वहाँ पे मेरी बिटिया तैयारी कर रही थी, कोचिंग बंद हो गए थे, मेस भी बंद हो गए थे, और बातचीत के क्रम में बड़ा डिप्रेशन जैसा बात कर रही थी, तो मुझे लगा कि इसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए जिससे कि लीगल हो। तो मालूम हुआ, मैंने फॉर्मेट देखा तो उसमें हुआ कि आप ई पास के लिए अप्लाई करेंगे और जिलाधिकारी जिला से ई पास निर्गत करेंगे, या जहां है वहां से भी अगर जिलाधिकारी वहां का ई पास निर्गत करके बच्चों को भेज सकता है। तो मुझे लगा कि इस ऐसे संक्रमण काल में वहां से जब बच्चे चलेंगे तो कहां रुकेंगे, क्या रुकेंगे, किस जगह पे ड्राइवर रोक लेगा, तो उससे बेहतर सेफ्टी पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से मुझे लगा कि मैं खुद चला जाऊँ। और मैंने उस नॉर्म्स का पालन किया, मैं फॉर्मेट में भर करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया, मुझे पास निर्गत किया गया, मैं उस पास के आलोक में मैं गया और अपने बच्चों को। आपने सुन ली माननीय विधायक जी की बातें। विधायक जी का कहना है कि उनके बच्चों का ट्यूशन बंद हो चुका था, उनके बच्चों का मैथ बंद हो चुका था, जिस कारण उनकी बच्ची डिप्रेशन की शिकार थी। धन्य हो माननीय विधायक जी, जहां गरीब लोग, मजदूर लोग, बेबस लोग इतने मजबूर हैं कि घर में रोटी खाने को नहीं है, एक दाना नहीं है, एक निवाला नहीं है, यमुना नदी किनारे उस गंदगी के बगल में खुले आसमान के नीचे, खुले आसमान के साए में सोने पे मजबूर है, घर आने की कगार स्थिति में नहीं है, घर आ नहीं सकते, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, घर में उसके बच्चे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, क्या वह डिप्रेशन का शिकार नहीं है? सैकड़ों लोग दिल्ली से पैदल बिहार को आ गए, पैदल रास्ते में कई जाने चली गई, क्या उनके परिवार वाले डिप्रेशन का शिकार नहीं हुए? सैकड़ों छात्र अभी भी कोटा में फंसे हुए हैं, क्या वह डिप्रेशन का शिकार नहीं है? सिर्फ आपकी बच्ची के फ्रेंड डिप्रेशन के शिकार थे? माननीय विधायक जी को सोचना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी को जब वहाँ के छात्रों ने लेटर लिखा कि हमें बचा लीजिए, हमें कोटा से बिहार आना है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम लॉकडाउन का धज्जियाँ नहीं उड़ा सकते, हम लॉकडाउन का पालन करेंगे, जिस कारणवश जो जहाँ है वहीं उचित व्यवस्था कराई जाएगी। ठीक है, मैं मानता हूँ लॉकडाउन का पालन होना ही चाहिए। क्या यह लॉकडाउन सिर्फ गरीबों के लिए है? क्या यह लॉकडाउन सिर्फ रिक्शे वालों के लिए है? जब यह कोरोना वायरस हवाई जहाज़ के जरिए आई हमारे भारत में, तो क्या इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा रिक्शे वाले को होना चाहिए? क्या रोक रिक्शे वाले पे लगना चाहिए? आप इटली में फंसे छात्रों को हवाई जहाज़ के जरिए भारत ला सकते हैं, भारत में ला कर उसको क्वारंटाइन करके उसको रख सकते हैं, तो क्या बिहार से फंसे बाहर में जो अन्य राज्य में लोग हैं उनको आप बिहार नहीं ला सकते? ठीक है, आप मत लाइए, लेकिन ऐसे जो माहौल में जब लोग डिप्रेशन के शिकार है, इस माहौल में ऐसे भी व्यक्ति को, ऐसे भी नेता को यह सोचने की बात समझ में आनी चाहिए कि वह अपने बच्चे को तो कोटा से लेके आ गए, यह न्यूज़ जब वायरल हो गई, यह न्यूज़ जब फैल गई, तो बाकी बच्चे जो कोटा में फंसे हुए हैं, बाकी मजदूर जो बिहार के अन्य राज्य में फंसे हुए हैं, जो घरों में कैद है, जिनको खाने के लिए पैसे नहीं है, जिनको घरों पे राशन नहीं है, जिनके अपने खाने के लिए राशन नहीं है, उनके बिहार के घर वालों के लिए खाने के लिए राशन नहीं है, क्या वह डिप्रेशन के शिकार नहीं है? कई लोग ठेला, आपने न्यूज़ में सुना होगा, कई लोग रिक्शा और साइकिल से चल कर खुद बिहार पहुँच गए, क्या वह उनके फैमिली वाले इसके डिप्रेशन के शिकार नहीं हुए? इस दुनिया में दो ही धर्म जाति के लोग हैं, एक अमीर एक गरीब।
यहाँ अमीर और गरीब में भेदभाव किया जाता है, जहाँ मीडिया यह दिखाती है कि हिंदू मुसलमान तबलीगी जमात कोरोना वायरस एक इम्पैक्ट पैदा कर दिया गया है। इस आड़ में अमीर लोग अपने फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं, अपने परिवार का भविष्य बना रहे हैं, जहाँ पे गरीब लोग असहाय बेबस लोग हैं, फंसे हुए हैं, उनकी उचित रहने की व्यवस्था भी नहीं करवाई जा रही है इस सरकार के द्वारा। इस बात पे बवाल चालू हो चुका है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहयोगी रहे प्रशांत किशोर ने भी नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, सिर्फ गरीबों के लिए ही क्या लॉकडाउन है, अमीरों के लिए लॉकडाउन का कोई पालन नहीं होगा। जब जहां पे हवाई जहाज़ के जरिए और अमीरों ने इसका फैलाव किया, वहां पे गरीब को ही आप कैद कर दीजिएगा। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मजामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।